अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी सब, है ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक की लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। देखिए, दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पे डिपेंड मत रहो, कोई आपके काम नहीं है, दुनिया में एक आप ही है जो आप बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी में साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, कोई क्या साथ देगा आपको जब तुम लड़का हो। याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा, कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो गाओ, जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और, इतनी ठंडक में कौन उठता है? और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो, तो उसमें ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। देखिए, दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पर डिपेंड मत रहो, कोई आपके काम नहीं है, दुनिया में एक आप ही है जो आप बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी में साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, कोई क्या साथ देगा आपको जब